ये बच्चा जाते जाते एक ब्रेड का टुकड़ा सड़क पे छोड़कर चला जाता है और ये भूखा कुत्ता क्लोई तेजी से भागकर उसे खाने आता है। अब अचानक से चार और कुत्ते वहाँ आ जाते हैं और वो भी इस पर अपना दावा पेश करते हैं। क्लोई के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। वो उन पर फट पड़ता है और जितनी भी उसे आती है सारी गालियाँ बक देता है। वो कसम लेता है कि जिस भी माई के लाल में हिम्मत है वो इस ब्रेड को छूकर भी दिखा दे। सारे कुत्ते भाग जाते हैं। अब क्लोई को वजह पता चलती है जब वो पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ एक जालिम कुत्ता खड़ा है जो अपनी क्रूर नजरों से उसे देख रहा है। तभी इन मौके पे एक जर्मन शेपर्ड तेजी से वहाँ आता है और क्लोई को बचा ले जाता है। शेपर्ड उसे साफ पानी में डालकर नहलाता है, फिर उसे वो कुत्तों की बोगी में बिठा देता है। वो एक पहचान वाले से उसकी सुरक्षा का आश्वासन लेता है और विदा कर देता है। अब ट्रेन धीरे से चलना शुरू करती है। क्लोई के चेहरे पे जुदाई का गम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जर्मन शेपर्ड को पता है कि इन दोनों का कोई मेल नहीं। वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से चले जाना चाहता है, लेकिन अब उसका मन नहीं मानता। वो क्लोई के पीछे दौड़ लगा देता है। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है और छलांग लगाकर बोगी में चल जाता है। लेकिन अब रेल कर्मचारियों की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और जर्मन शेपर्ड पैसेंजर कंपार्टमेंट में भागकर उछल कूद मचाने लगता है, जिससे सारे कर्मचारी उसे पकड़ने में लगे रह जाते हैं और क्लोई